नारायण 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 नारायण। ये व्यक्त चिंतन है ना, व्यक्त चिंतन, ये कैसे बैठे सुगमता पूर्व? व्यक्त चिंतन को व्यर्थ मान लो, अपना कोई संबंध नहीं, जितनी उपेक्षा कर दो, बेपरवाही कर दो, उतना ही डीला हो जाएगा। ये हमारे मित्र है, ये भावना इसको दृढ़ करती है, क्यों पहले मानते हो व्यर्थ चिंतन है, इसको मिटाना है, तो मिटाने में उसकी सत्ता दृढ़ होती है। उपेक्षा करोगे मुझे तो चिंतन हो गया, क्या है मित्रता तो आप पे ही है, आप रख तो सकते ही नहीं, बस चिंतन को आप जोर करके रख लो, रख लो गए उपेक्षा है, बढ़िया उपाय है, विरोध उपाय इतना बढ़िया नहीं है। बस चिंतन का विरोध करना है, वो बस चिंतन मिटाने में इतना सफल नहीं हो सकता जितना इसकी उपेक्षा सफल हो सकती है। व्यर्थ में व्यर्थ है क्या, ना कोई आदर ना निरादर, ना मिट जाए ना न मिट जाए, कुछ नहीं, ये तो मिट गया ही है। स्वतः विचार विचार देखा आप तो स्वतः मिट रहा है ही नहीं, वो उत्पन्न हुआ है तो सिवाय मिटने के और क्या उसमें बाकी है, और वो मिटना उसमें जारी है, मिट रहा है, जितनी देर हुआ है उतनी देर तो मिट गया और मिट ही रहा है, निरंतर मिट रहा है। एकदम ये बात ख्याल में आती है कि नहीं, व्यर्थ चिंतन स्वतः स्वाभाविक मिट रहा है, ये ख्याल आती है कि नहीं? व्यर्थ चिंतन हो रहा है ये तो मान रहे हैं आप, अरे मिट रहा है ये सच्ची बात है। आपने कहा कि व्यक्ति चिंतन जितना हो गया उतना मिट गया, जितना हो गया वो तो मिट गया, जब है मिट गया है तो महाराज जी नए नए होते रहते हैं ना, तो मिट गया जब मान लो, लेकिन फिर और होता है, फिर नए नए तो आप उसको ख्याल करते तो होते है ना, अगर उपेक्षा कर दो तो नया हो चाहे पुराना हो तो कुछ भी हो, क्या मतलब अपने नहीं होता से कृत्य ना अर्थ हो, ना कृत्य नहीं होता से ना, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, व्यर्थ हो जाए तो उसे मतलब नहीं, न हो जाए उसे मतलब नहीं, उदासीन होते ही संबंध विच्छेद हो जाता है, उसी जड़ कट जाती है, वो जहां से पैदा होता है वहां से कट जाता है, वो उपेक्षा होगी उसे उदासीन हो गए। दुनिया में बहुत से काम होते हैं उनका हमें थोड़ी पाप पुण्य लगता है, उनका गुण दोष कैसे हमारा होता ही नहीं, क्यों नहीं होता है, हम संबंध नहीं जोड़ते हैं, संबंध जोड़ दे तो उसका भी असर होता है हमारे, वो आए थे मुसलमान मरे थे हिंदू मरे, संबंध जोड़ देते हैं ना, असर होता है। तो जो ये बात बाधा कहाँ है संबंध जोड़ने में है, एक ये मार्मिक बात है, बहुत ही मार्मिक और बढ़िया बात है, संसार अनित्य है, नित्य है, नाशवान है, अविनाशी है, ये नहीं, इसका संबंध हमारे साथ नहीं है, मूल बात ये है। पढ़ाई में उन्हें बहुत पूछेंगे पढ़ी पर ये नहीं आया वहां, ये सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, सतत से विलक्षण है, अनिर्वचित नहीं है, कई बातें आई पर मूल मदार हमारे साथ समझ नहीं है, ये बहुत ही मार्मिक बात है। अब जैसे हमारे साथ संबंध नहीं है इनका,
तो आप हो जानने वाले और ये है जानने में आने वाले, मन में बुद्धि में वो तो जानने में आने वाले हैं, जितने आते हैं संग और आप जानने वाले, तो आपके साथ संबंध नहीं आएगा। अगर ये बात ठीक तरह से आप समझ लो और है जो मान लो कि ये बात सच नहीं है, फिर वह तो क्या न वह तो क्या नहीं हो सकते, कृति न अर्थ न अकृति न अर्थ, करने से मतलब है न करने मतलब है, न व्यर्थ चिंतन से मतलब है, न व्यर्थ चिंतन न होने से मतलब है, न होने से मतलब है, अपने साथ संबंध ही नहीं है। प्रत्यक्ष में होते हैं मिटते हैं, होते हैं मिटते हैं। मेरे विचार हुआ महाराज तो मैं असत है असत है, असत से विलक्षण है, कैसी है प्रकृति है, अनादि है, शांत है अनादि, आनंद है, कैसी है, बहुत विचार हुआ। अगर हमारे साथ संबंध नहीं है, कितनी दम रहती कैसी है अपने समझ नहीं है, बड़ी हो हमारे साथ कोई संबंध नहीं। कहीं संसार में कई चीजें हैं, हमारे कोई संबंध नहीं उनसे, नहीं उसको ठीक मानते न बेठीक मानते न रह मानते न रह मानते न मिट जाए न मिट जाए, कुछ नहीं होना बहुत कर दीजिए। पढ़ाई में कभी से नहीं है। सुनानंद जी से किसी ने पूछा हाँ ये कुंडलिनी है कैसे जागृत होती है, कुंडलिनी कैसे जागृत होती है, इसका क्या परिणाम है? क्या भैया मैं ज्यादा बात तो नहीं जानता हूँ, इतना ही जानता हूँ इसके साथ अपना संबंध नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, और तो कुछ नहीं जानता, अब समझ नहीं है तो। कितनी बढ़िया बात है, अब जागृत हो जा तो क्या, न हो जा तो क्या, बढ़िया होता है यार, घटिया हो जा तो क्या, उनकी तो जड़ी कट गई थी। बहुत ही दामी बात है, हमारे साथ संबंध नहीं है बस चिंतन का, बहुत ही बड़े उपाय है ये। मन लगता नहीं, एकाग्र होता नहीं, लगता नहीं, बड़ी शिकायत है। अरे तुम उपेक्षा करो, बहुत ही बड़ी चीज है उपेक्षा है ये, हमारे कोई संबंध नहीं है इसके साथ, हो तो क्या न हो तो क्या, ये बल देना है उसको मिटाना है, विचार करना है तो उसको बल देना है, सत्य देना है। कई बातें ऐसी है जो बिना जाने हम तो पा रहे हैं, ठीक जान लगे तो बढ़िया है, ये जान लगे इसके साथ हमारा संबंध नहीं है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम है। कई बातें ऐसी है जिसको हम बिना जाने दुख पा रहे हैं, और क्या बहुत दुख पा रहे। अभी अभ्यास जिसने मिट गया है इसमें कितनी तकलीफ होती है, उम्र बीत जाती है मेरा, अरे बात इतनी सी तो अपना मतलब नहीं है, भूतकाल है वो चिंतन करो तो वो है नहीं, केवल बात याद है और वो है नहीं, भविष्य का विचार करो तो वो है नहीं, अरे वर्तमान का विचार करो तो कार्य कर दो, चिंतन को मतलब नहीं है, कितनी बढ़िया बात है। बहुत साल बीत गया, अच्छा हुआ तो बिता, बड़ा बुरा बिता बीत गया, उसे क्या मतलब अपना, अभी वो है नहीं, उनको मानकर दुखी होते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, क्या मन अभी याद आती है, क्या आती है जो नहीं है, अब नहीं है वो दुख दे रही है, ही नहीं अभी है क्या भाई, क्यों इतनी मान लिया जो कुछ याद आओगे नहीं है, भविष्य में करेंगे उसके बाद वो भी करेंगे जब दे देंगे, अभी नहीं है, और वर्तमान में वो सुचारू रूप से करना है, इसमें सिंह नहीं अगर इसका
और किसी सोमवार है। हमें तो भाई ये बात जो ख्याल में आई वो बहुत अच्छी लगी कि कुछ भी हो जाए तो अब नहीं है, बस कुछ भी याद आएगा अब नहीं है, एकदम सब ठीक हो जाए, कितनी सुकून बात है। अब तो घटना नहीं हो रही है, हुई थी कभी, हुई थी वाली घटना, वो याद आ गई, नहीं है ऐसे लोग ना। कोई असर नहीं होगा, कोई महत्व नहीं, कितनी शुभ बात है। ये कह रहे हैं जितने दिन व्यर्थ चिंतन हुआ उतने समय चला गया, और व्यर्थ चिंतन हुआ तो चला गया तो अपने उसमें दृष्टि डाली तो चला गया ना, दृष्टि नहीं डालती क्यों जा रहा हमारे समय शेर जी से बात हुई। गोरखपुर की बात है, एक आदमी ने समय लिया कि इतना बजे मैं आऊं, मेरे समय ठीक है, वो आया नहीं, वो देरी से आया, आपका समय बढ़ गया, बस जाता मूर्ख मैं क्यों गया, हमारे तो काम में लगा था, मेरे समय बढ़ क्यों गया। तुम आ रहे थे, तुम लाभ दे रहे थे, नहीं तुम्हारे लाभ नहीं हुआ, मेरे समय बढ़ क्यों गया। सामने बात है, तो मैं आया नहीं, देरी हो गई, आपका संघर्ष किया बस मूर्ख का ज्यादा संघर्ष हो जाओ हमारा, तुमने हर तो काम करते हम तुम्हारे में बढ़ क्यों गया, हम तो उसमें लगे ना बस गया ना, मुझे मान्यता की वृत्ति हो रहा है, तुम जुड़ा तो मानता ही बस गया, अगर अब गया सो गया बड़ा, अब बस जान दो, अगर गया मानते हो आपकी बात को पूरी मैं मान लू तो गया उतना अब तो मत जान लूंगा, अब काम करो साथ चिंतन करो उपयोग करो उसकी, अब नहीं करें, अब ला नशा नहीं, अब ना नशैया, अब नाश नहीं करेंगे, अब पता लग गया ना, ये विरोध नहीं हुआ क्या है? अब अगर चिंतन नहीं होने देंगे इतना अपना मतलब नहीं, बस और ना वो अपना मतलब नहीं, उसे अब उसको ठीक हो गया, अब लो नशानी अब न नशे हो, हाँ तो अब नाश नहीं करेगा, इसमें नहीं लगेगा, मैं हमारा बर्बाद जाने नहीं देंगे, नहीं जाएगा तो मर कैसे हो जाएगा, हम उधर ध्यान ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देंगे तो जाएगा ना समय बरस, तो हो रहा नहीं हो रहा है, हम ख्याल ही नहीं करेंगे तो हमारा समय दस से कट जाएगा, इस दिन ख्याल नहीं किया, मिले रहेंगे हम जब चुप बैठते हैं एकदम अप्रियत्न अवस्था में, सब विक्षेप जो आते हैं उसके साथ विक्षेप आते नहीं जाते हैं, वो सिद्धांत ही आता नहीं है, अब कैसे सत्ता हो तो भाव है, सत्ता दस में आप सत्ता दे देते हो, आप सत्ता देते दे न होते हुए वो सत्ता देते हो, आप है तो भाई वो हम तो हमारे साधन को सत्ता देना चाहते हैं, और साधन को सत्ता देना चाहते हो तो उसको कैसे करो, साधन तो हरदम है और वो है नहीं, और नहीं उसको सत्ता दे करके और को बल लगा दे तब तक हो तो उसमें लय और विक्षेप दोनों है, यदि उनको सत्ता न दे बस आने जाने नहीं दे तो क्या करोगे, आप नाक परिश्रम परिश्रम कर लोगे बस, और क्यों से करते रहते हैं तो क्यों परिश्रम करें, लेकिन निर्वत नहीं तो बल व्यर्थ बर्बाद क्यों करे, अपनी शक्ति को नष्ट क्यों करे, बल लगाकर शक्ति का नाश करते हो और क्या करते हो, आप समय नष्ट करते हो और शक्ति का नाश करते हो और क्या करते हो, सावधान हम नहीं करेंगे, हो जाए तो जा बस हमने हो जाए हो जाए, ये तो महाराज जी बाली वाला प्रतीक हुआ के पहले आगे वाले को आदि शक्ति दे रहे हैं फिर मिटा में, हाँ ये आधा श्लोक बहुत काम होगा, नहीं होते से करते हैं ना अर्थ हो ना करते ही नहीं कृष्ण, न करने से मतलब है न करने मतलब है, बहुत ही बढ़िया चीज है,
अपना संबंध नहीं है, हमारा लेन देन नहीं है। मेरा संबंध नहीं है चिंतन से, निकाल रखनी पड़ेगी नहीं। और इन्होंने एक रंग रखनी क्या पड़ेगी, अभी याद गणित नहीं भी याद रखनी है। अब बारे कितना वृक्ष है, कितना आदमी है, कितने पशु है, नहीं भी याद रखने अपना मतलब नहीं, मैं खत्म हुआ। चिंतन हुआ बस होगा ना बस, तो है भी अब संबंध नहीं है, याद थोड़ा करना है उसको। उपेक्षा चीज है वो एक और है, विरोध चीज और है, राग एक चीज और है, उसके साथ राग और चीज है, विरोध एक और चीज है, उदासीनता एक और चीज है। विरोध का नाम उदासीनता नहीं है, उस ना ठीक और बैठी कुछ न समझना उदासीन अलग। मन में कैसी बची रहती है कि ये जो जागृति यहाँ संबंध नहीं है, निरंतर है, ऐसे रहती है। मैं आग्रह यही बस रखो, कोई आग्रह नहीं, ये जागृति रहे मन में कि भी ये हमारा संबंध नहीं है, ये भी न रखें ना। अपने है नहीं संबंध रखें क्या, ये तो हो गए तब उसको मानते हैं संबंध न रखें, न संबंध न रखने में संबंध है, ठीक है, जब भी मानते हैं नहीं। हाँ, अपने मतलब नहीं है, गंगा जी किनारे मैंने ये बात कहकर देखी है, तो गंगा जी का देखो शब्द सुनाई देता है तो शब्द सुनाई देगा, ये तो सुनाई देता ही नहीं, शब्द बह रहा हरा हरा रो रहा है, सुनाई देता नहीं, सुनना है सुनेगा। इस बात देखिए करके कुछ बोलो भाई, बेटी सुनाएगा, सुनाई देता ही नहीं था, बाप सुनाई देता है, तो ये तो आप ख्याल करने सुन रहे थे, ख्याल नहीं कर दो कोई मतलब नहीं, उसे शब्दों के नहीं हिसाब न देखते हुए नहीं दिखता, सुनते हुए नहीं सुनता, इंद्रियों के सामने पीछे आने पर भी हमारा मतलब नहीं, ख्याल नहीं, सुनते नहीं। ये बात आप ठीक जानते हैं कि नहीं, मैं कहता हूँ वो बात ठीक है कि नहीं, सच्ची है तो बस इस बात को सुना, अपना मतलब नहीं उनसे, नहीं तो से करते न अर्थ ना करते नहीं। ये खास चीज कर्मणि अकर्मीय प्रसिद्ध अकर्मणि से कर्मीय सबुद्धिमान मनुष्य कृष्ण कर्म कृत, तीनों बातें लिखी है वहां, कर्मयोग लिखी, ज्ञान योग लिखी, भक्ति योग लिखी, यो माम प्रसिद्ध सर्वत्र श्रवण से मैं प्रसिद्ध भक्ति होगी, सर्वभूतस्तु महात्मा नम सर्वभूत आत्मा नहीं, और कर्मणि अकर्मी से अकर्म से कर्मी है, कोई मतलब नहीं, अपने संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं अपना, ये कर्मणि अकर्मी है ना, हमने जो लिखा जो समझ में आई वो बात समझ में नहीं आई, पहले किसी की कसर कोई समझ में नहीं आई, अब बिल्कुल सीधी सरल बात, किसी संस्कृति का हिंदी का किसी से कोई समझ नहीं आई। पहले बड़े रुचि में एक ही बात है, कर्म योग हो सके ज्ञान योग जो हो, अपना संबंध नहीं, उसका तुम बताओ, ख्याल नहीं करता, आप ख्याल करो तो बहुत बात हमारे को है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बात है। ये जो बात आज कही है ये बात बहुत दामी है, वास्तव में आप नित्य हैं या अनित्य है, आप किसान होकर गुजर जाते हैं, आ जाते हैं चले जाते हैं, तो आने से नहीं आने से आपका क्या मतलब हुआ, आप तो निरंतर रहते हैं, ये निरंतर में सोते हैं, इनको तो आप सत्ता देते हो, महत्व देते हो, उदासीन रहो, उदासीन रहने का उपाय उपाय कोई है ही नहीं, उदासीन स्वतः आप हो, उदासीन न होते हो तो उदासीन आपको होना पड़े, स्वतः आप उदासीन हो। अब बिताने में कितने काम हो रहे हैं, उनके क्या मतलब है आपका,
कई हजार कई मन दस तरह हो रहा है, तो आपके साथ कोई संबंध है? ऐसे शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि के साथ कोई संबंध नहीं हमारा। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते, सब तरह अलग है। वो है ही है, नहीं है वो नहीं है। अब नहीं है उसमें, उसे नहीं है उसको लेकर रह चुके हैं, बस नहीं है उसको मिटा रहे हैं। यह जो बात कही जाती है कि कोई भी कारण को खोजने से वो कारण मिट जाता है, तो व्यर्थ चिंतन क्यों हो रहा है? व्यर्थ चिंतन ये जो हो रहा है, आप सत्ता दे रहे हो रहा है, तो कारण को खोज कारण सत्ता दे, आप सत्ता देते हो जो हो रहा है। कार्य रूप क्रियान्वित जो व्यर्थ चिंतन साकार हुआ है, तो हुआ है तो सत्ता नहीं है ना। पहले ऐसा कर्म किया है, अब किया है, जब किया है, जब किया था, अब तो केवल बिल्कुल नहीं को सत्ता दे रहे हो, तो किए हुए का नतीजा सामने आ रहा है। नतीजा नहीं है, किए हुए का नतीजा नहीं है, मूर्खता का नतीजा है, किए हुए का नतीजा है। नहीं को है मान रहे हो, ये नतीजा है। मूल में नहीं को है मानना ये है। आगे के लिए व्यर्थ चिंतन न हो, नया निर्माण न हो, मैं को नया निर्माण नहीं हो, ये ही नए निर्माण की जड़ है, खास बीज है, थोड़ा गैर जी से समझो। आप मतलब बल चिंतन न हो, इसमें अर्थ है बल चिंतन है। नहीं महाराज जी, हमारा कोई भी कर्म बल चिंतन के रूप में परिणत न हो, उसके लिए हम कर्म करते समय सजग रहे। ये मैं कहूँ तटस्थ और काम करो, सब काम तटस्थ और करो। ये जो संगं तत्व परम चीज बताया संग, ये ही है वह संग, ये बात देते लोकी कारण गुण संगो से सदस्य हर समय असंगता आपका स्वरूप है। असंगो ही एवं पुरुष, इसका स्वरूप असंग है, असंगता अर्थम जगत है, खास चीज है। असंख्या का मतलब नहीं है, असंगता आपका स्वतः सिद्ध स्वरूप है, असंगता। नारायण 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 नारायण, इसमें सब आप समझो, फिर प्रश्न पूछो। राम। श्री मुरली मनोहर धोरा भीना सर बीकानेर में, परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन माघ कृष्ण दशमी रविवार विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 21 जनवरी 1990 को प्रातः 5 बजे के स्तुति प्रार्थना के बाद हुआ। राम।